अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, चोटिल उमेश यादव की जगह किस खिलाड़ी को टेस्ट टीम में जगह दी गई है? ए टी नटराजन, बी उमेश यादव, सी रोहित शर्मा या डी रविंद्र जडेजा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर शाहकुंड के खैरा पंचायत के मस्कन गांव में 5 साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने किया दुष्कर्म। भागलपुर बिहार में फिर से एक शर्मसार वाली घटना सामने आया है, जो भागलपुर शाहकुंड के खैरा पंचायत के मस्कन गांव में 5 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में बच्ची की मां नुजहत परवीन ने बताया कि 1 जनवरी को संध्या 6:30 बजे गांव के ही मोहम्मद महबूब मंसूरी पिता फारूक मंसूरी ने 5 साल की बच्ची हसीबा पिता मोहम्मद अफाक के साथ घर के पास के गली में उठाकर खेतों में ले जाकर बच्ची के मुंह में जबरन कपड़ा बांध कर दुष्कर्म किया है। घर वालों द्वारा बच्चों को खोजबीन करने पर रंगे हाथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया। जब पकड़े जाने पर जब्ता मारते हुए मौके से फरार हो गया। तभी परिजनों ने बच्ची को गंभीर स्थिति में देखते हुए गांव के ही डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने मायागंज रेफर कर दिया। बाल निकले, एक लड़का था, मुझे घीच के ले जाता था, अंतिल नाने लगा मुँह में कतला कोच के ले भाग गए दानी के पास। क्या नाम है तुम्हारा? हसीबा खातून, तगाल में मारा। हाँ, कहाँ मारा? गाल में। लड़की का मेरा भाई हुआ, बच्ची का, जिसके साथ ये दुखद घटना हुई है। दरअसल ये बच्ची शाम में खेलने के लिए घर से निकली थी, उसी समय पड़ोस का ही एक लड़का महमूद मंसूरी, इनके पिता का नाम फारूक मंसूरी है, ये जो है इस लड़की को लेकर, बच्ची को लेकर के जो है दूर चला गया। तो ये जब हल्ला की तो घर से बाहर आदमी लोग निकले, पता कि ये क्या बात है, तो दूसरी इनकी जो सहेलियाँ थी वो बताने लगी कि इनको ले करके वो फलां लड़का जो है लेके दूर गया। कौन लड़का, नाम क्या है? वो महमूद मंसूरी। कहाँ लेके चले गए? जी, इसको लेके खेत की तरफ चला गया, ये तो उस समय पता नहीं चला। ये लोग घर वाले फिर उनके घर पे गए, बच्ची के घर वाले उनके घर पे गए, उनके घर पे जाके जो है उनके घर वालों को बताया कि तुम्हारे लड़के जो है ऐसे ऐसे करके लेके गए हमारी बच्ची को, देखो बच्ची कहाँ है। बहुत तलाश करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद जो है ये लड़की जो है मिली खेत के अंदर, और इसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था और एक तरह से लड़का रेड हैंड पकड़ा गया, ठीक है। लड़की की हालत दयनीय थी, इसलिए लड़के पे कोई ध्यान नहीं दे सका, लड़का भाग करके अपनी घर चला गया। और इस बच्ची का जो है, बच्ची को ये लोग इलाज के लिए जो है गाँव के ही डॉक्टर के पास ले गए। गाँव के डॉक्टर ने इनको कहा कि आप मायागंज चले जाएँ, ये मायागंज गए। मायागंज वाले ने कहा कि ये पुलिस केस है, पहले आप शाहकुंड थाने जाओ। तो ये लोग जो है रात को बिल्कुल परेशान हो गए, 11 बजे लौटे हैं, फिर सुबह से जो है ये लोग थाने में थे। अभी बड़ा बाबू ने आवेदन लिया या इनको अस्पताल भेजा है, ये शाहकुंड अस्पताल, और मामला देखिए आगे बढ़ रहा है। मेडिकल जाँच के लिए भेजा है सदर अस्पताल भागलपुर रेफ़र किया गया। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम मोहम्मद नेमत अंसारी। चाचा है जी? कौन है बच्चे का? बच्चे का क्या बताया? बच्चे के हम चचा हुए। ये घर से निकली, बस वो लड़का है ना, इसको ले जाने लगा घींच के, ये चिल्लाने लगे, फिर हम लोग बाहर निकले तो एक लड़की था इसके साथ, तो बोले इसकी उधर गई, फिर हम देखे तो दूर तलक चला गया तो हम पहले फिर उसके घर पे गए तो बोले आपका लड़का है ना, मेरी लड़की को लेके चले गए, नहीं मिलेगा,
बोले कि नहीं तुम्हारा लड़का है। कौन लेके गया था? महबूब। महबूब हाँ। वो कौन है? मंसूरी है। हाँ, कहाँ का रहने वाला? खैरे का रहने वाला है, मंसूरी है। कहाँ लेके चली है? बिहार डोण में। क्या कहा उसको? भाई हरकत क्या, गलत काम किया? हाँ गलत काम किया, उसका ब्लड गिरा। क्या नाम है बच्ची का? हसीबा खातून। आपका क्या नाम हुआ? नजत परवीन। कहाँ घर हुआ? खैरा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गोली मारकर तुलसीपुर के युवक की हत्या। नवगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 लक्ष्मी होटल के कुछ दूरी पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत युवक के पास से मिले वॉलेट में एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक का पासबुक कॉपी और फोटो पासपोर्ट साइज मिला है। सभी दस्तावेजों पर बाले कुमार पिता रेशो यादव घर तुलसीपुर का नाम दर्ज है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त युवक तुलसीपुर निवासी बाले यादव है। नवगछिया पुलिस ने तुलसीपुर गांव के लोगों से देर रात संपर्क कर युवक के परिजनों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीपुर से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि युवक इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के पुलकिया गांव स्थित अपने ससुराल में ही रहता था। देर रात पुलिस युवक के परिजनों को घटना की जानकारी देने का प्रयास कर रही थी। युवक के गाल पर एक गोली मारी गई है। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही हुई थी, लेकिन अपराधियों ने काफी कम समय में घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण वे लोग अपराधियों को नहीं देख सके। गोली की आवाज होने पर जब वे लोग नजदीक गए तो देखा कि स्थल पर युवक का शव पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। नवगछिया शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, लोगों को मिल रही जाम से राहत। नवगछिया शहर में 1 जनवरी से नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। लंबे अरसे के बाद इस नई व्यवस्था से लोगों को राहत मिली है और 2 दिनों से नवगछिया शहर में जाम नहीं के बराबर लग रहा है। मालूम हो कि शहर में नो एंट्री सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी व सवारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। शहर में 29 स्थानों गोपाल गौशाला, नवगछिया स्टेशन चौक और मक्का तकिया के पास नो एंट्री लगाया गया है। 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू होते ही नवगछिया बाजार में इसका असर दिखने लगा है। पिछले वर्ष तक 10 बजे सुबह होते होते नवगछिया बाजार पूरी तरह से जाम की जद में चला जाता था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि ट्रैफिक नियम जरूर लागू कर दिया गया है, लेकिन कई सवारी वाहन के चालक अभी भी इस नियम के अभ्यस्त नहीं हुए हैं। इस कारण शनिवार को बाजार में इक्के दुक्के वाहन अनाधिकृत प्रवेश कर गए थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया देर शाम नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने नई व्यवस्था का लिया जायजा, 2 ट्रकों को किया जब्त। 1 जनवरी से शहर में लागू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा शनिवार को देर शाम नवगछिया के SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार और SDPO दिलीप कुमार ने पुलिस बलों के साथ किया। इस क्रम में उन्होंने पूरे बाजार का मुआयना किया। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय के पास शहर में अनाधिकृत प्रवेश किए 2 ट्रकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया है। मालूम हो कि इस संदर्भ में नवगछिया के SDO अखिलेश कुमार ने नगर पंचायत नवगछिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नवगछिया BDO के साथ बैठक कर शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनाई थी। वहीं बताते चलें कि अपराध नियंत्रण और निर्बाध ट्रैफिक व्यवस्था के उद्देश्य नवगछिया नगर पंचायत में शहर में कुल 65 जगहों पर CCTV कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नवगछिया के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि इस माह के अंत तक
नौगछिया शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से नौगछिया शहर जाम की जद में चलता है, ऐसे में नई ट्रैफिक व्यवस्था नौगछिया शहर के लिए अति आवश्यक है। वही नौगछिया के लोगों की समस्या देखते हुए नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने नौगछिया में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की पहल की थी। यह व्यवस्था नौगछिया के लिए कितना फायदेमंद है, यह 1 जनवरी से ही दिखने लगा। नौगछिया के स्थानीय लोगों, जदयू के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, भाजपा के जिला मंत्री मुकेश राणा, लायंस क्लब के शिव कुमार पंसारी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फाइटर जेम्स सहित कई अन्य ने नौगछिया SDO और SDPO को धन्यवाद देते हुए नई ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से लागू करवाने की मांग की है। नौगछिया SP नौगछिया का विदाई समारोह आयोजित। शनिवार को नौगछिया SP आवास पर पुलिस परिवार नौगछिया द्वारा तत्कालीन SP स्वप्नजी मिश्राम का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में SDPO दिलीप कुमार, पुलिस जिला के सभी थाना अध्यक्ष व मेंस एसोसिएशन नौगछिया के अध्यक्ष, मंत्री, सदस्य, साथ ही दर्जनों सिपाही मौजूद थे। SP स्वप्नजी मिश्राम ने पुलिस जिला में कार्य अनुभव को साझा किया। विदित हो कि SP स्वप्नजी मिश्राम अब महिला बटालियन 2 की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो SHO है या जो अन्य पदाधिकारी हैं, थोड़ा सा वेलफेयर पे भी ध्यान देंगे। और ये तो SP को भी देखना है, वो तो डिफरेंट है, लेकिन वेलफेयर पे भी ध्यान रखेंगे। और अपने सारे पुलिसकर्मी जो आपके नीचे काम करते हैं, उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवेश चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है समाज में। तो उस हिसाब से हमें अपनी पुलिसिंग को भी चेंज करना चाहिए। उससे ही तभी जो है वो जो रखे थे पुलिस और पब्लिक के बीच में जो ट्रस्ट रखे थे, उसको हम एक तरीके से ब्रिज करते हैं। तो मेरा जो कार्यकाल था, मेरे हिसाब से तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जो बड़ी चैलेंजिंग थी, जो पहले कभी नहीं हुई है ना कभी देखी है हमने। तो था मतलब कुछ एक इशूज, कुछ एक घटनाओं की वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ भी जिले में हुई हैं। उसका डिटेक्शन भी हुआ है, कुछ एक में नहीं भी हुआ है, जिसके लिए प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगी कि उसका जल्द से जल्द उद्भेदन जो है, जो छूट गया है, जो कोई इनकम्प्लीट चीज़ है, उसको कम्प्लीट करें जितना जल्दी हो सके। बाकी आप सभी का सहयोग बहुत अच्छा रहा, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो सामान्य लोग हो, जो लोग डे टू डे बेसिस पर हमसे मिलने आते थे, चाहे वो मार्केट के लोग हों और चाहे वो हमारे अपने पुलिसकर्मी हों, तो सबका बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन रहा, जिसकी वजह से हमें पिछले जितने भी महीने मैं यहाँ पर रही हूँ, तो मुझे बहुत कोई समस्याओं को फेस नहीं करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम पुलिस परिवार, हम जो एक पुलिस परिवार है, कलेक्टिव एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। तो आज जब जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मुझे जो फील होता है कि आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसी को मानते हुए चले। और साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि नौकरी है, तो आज नहीं तो कल आपको ट्रांसफ़र होना ही, हमारे केस में थोड़ा जल्दी हो गया, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो मेरे लिए तो एक ये जो ट्रांसफ़र है वो पर्सनली लेवल पे भी बहुत मतलब अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे मेरी फैमिली भी है। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, और आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, मीडिया कर्मी जो है, मीडिया बंधु जो है, उनसे भी अच्छा इंटरेक्शन रहा। जो भी इशूज़ थे उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से हमको बताए, बहुत सारे इशूज़ पे कार्रवाई हुई, कुछ एक पे नहीं हुई होगी, वो हो जाएगी, करेंगे जो यहाँ पर कर्मी पदाधिकारी हैं, करते हैं, ये उनके भी जिम्मेदार। बस इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा रहा नौगछिया का एक्सपीरियंस, और ये हमेशा जो है आने वाले करियर में जो है मुझे याद रहेगा। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। कदवा में 3 दिवसीय राम ध्वनि संकीर्तन महायज्ञ का हुआ आयोजन, निकली कलश शोभा यात्रा। ढोलबजा के खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार की शाम करीब 3:30 बजे वहां के ग्रामवासियों की ओर से श्री श्री 108
राम ध्वनि संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके पहले 300 कन्याओं द्वारा बाबा विश्वराव पुल समीप कोसी नदी में जल भरकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो 4 लेन सड़क होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। वहीं रामध्वनि संकीर्तन में सोनामुखी, अठगामा, नट्टापार, खैरपुर, शर्माटोला व चाहटोला के मंडली शामिल हैं। नवगछिया सड़क दुर्घटना में युवक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर हुए सड़क दुर्घटना में कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के समेली निवासी मिट्ठू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया के श्रीपुर में अश्लील हरकत का आरोप लगाकर कर दी पिटाई। नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए एक युवक की पिटाई कर दी गई। श्रीपुर निवासी सुमित कुमार ने मामले में नवगछिया थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुमित का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ यह कह मारपीट की, उसने गांव की एक लड़की के साथ छेड़खानी किया है और उसका गलत नियत से हाथ पकड़ा है। बार बार सफाई देने के बावजूद आरोपी नहीं माने और उसकी जबरन पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में नवगछिया पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। कदवा पुलिस ने शराब के नशे में 2 युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शुक्रवार की देर रात कदवा पुलिस ने थाना चौक समीप 2 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। कदवा थाना के SI संजय कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार युवक मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपड़िया गांव निवासी मोहम्मद नाजिर के बेटे मोहम्मद इमरान व दूसरा मुनेश्वर सिंह के बेटे अटल कुमार है। दोनों गिरफ्तार युवकों को शनिवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। रंगरा शराब पीकर महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार। रंगरा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सदवा छापर गांव में शराब पीकर एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की बाबत रंगरा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी गाँव का ही 50 वर्षीय अरुण सिंह है। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान।
होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।